क्योंकि गोरक्षा अगर होगी तो ही सुबह सुबह 6 बच्चे अपने साल भर के बच्चे के लिए दूध मिलेगा, और माँ के दूध के बाद में सबसे पहले और सबसे नियरेस्ट और पौष्टिक आहार जो आसानी से पच सकता है बच्चों के लिए, तो वो है गाय का दूध। भैंस का दूध भी इतना पौष्टिक, गाय से भी ज़्यादा पौष्टिक है, लेकिन इंसान के लिए इतना सुखदायी नहीं है, क्योंकि जैसा वो पशु है वैसी अपने उसके दूध पीने से वैसी अपनी की प्रवृत्तियाँ बनेगी। आप कईयों ने देखा ही होगा, बहुत अनुभवी लोग तो आप है ही वैसे, कि आपने देखा ही होगा कि भैंस कैसे जीती है, कैसे रहती है। आप उसको एक स्वच्छ पानी का कुंड दे दो और बाजू में एक किचड़ का पानी का कुंड दे दो, वो स्वच्छ पानी के कुंड में जाएगी नहीं, वो किचड़ में ही जाएगी, वो कभी अच्छे पानी के कुंड में नहीं जाएगी, किचड़ में जाएगी, उसको अच्छी तरह से हिलाएगी फिर उसमें बैठ जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि उसकी शारीरिक संरचना उस तरह है, उसको यानी कि जो अपने को पोर्स है शरीर में, पसीना जिससे निकलता है, और नॉर्मल एयर कूल का जो सिस्टम है, नेचुरल एयर कूलिंग का जो सिस्टम है, वो उसके शरीर में बहुत कमज़ोर है। उसका शरीर को ठंडापन करने के लिए नेचुरल कूलिंग सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए उसको उस पानी के भैंस कीचड़ के कुंड में बैठना ही पड़ता है। लेकिन गाय को आप देखें, वो वैसे कीचड़ वाले पानी में कभी जाएगी नहीं, उसको कितने भी प्यास लगे उसको पानी भी पीना होगा, तो जो पानी अच्छी तरह से निथरा हुआ होगा, यानी कि मैल कचरा सब नीचे जम गया होगा और ऊपर स्वच्छ पानी रहेगा, तो वो ऊपर से पानी को ऐसे अदर मुँह रख के चूस के साफ साफ पानी पिएगी। लेकिन भैंस को अगर छोड़ दिया अंदर पानी पीने के लिए भी, तो वो पहले तो उसको पूरा पानी को हिलाएगी, पूरा कचरा वचरा सब एक साथ में करेगी, फिर उसमें पेशाब करेगी, मूत्र करेगी, फिर वापस हिलाएगी, उसके बाद में वो पानी को पिएगी। और आप देखेंगे कि नॉर्मली भैंस जो है वो अपने कहते भी है क्या पानी के जैसे बैठा है करके तो वैसे वह प्रवृत्ति रहती है। तो अपने को जहाँ तक हो सके भैंस का दूध अवॉइड करके गाय का दूध ही लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो फुर्ती है, उसकी जो एबिलिटी है भागने की, काम करने की, उसकी जो अब उसके गाय के विवेक भैंस के विवेकपन में बहुत अंतर है, तो इसलिए अपने को गाय का दूध लेना चाहिए। तो इस स्वार्थ के लिए अपने को गाय का संवर्धन करना बहुत जरूरी है। दूसरा है, जैसे ही बच्चा बढ़ेगा तो उसको आगे चाहिए, जरूरत पड़ती है, सिर्फ दूध से उसका पूर्ति होती नहीं है, तो आगे चाहिए अनाज। अनाज के लिए जमीन चाहिए, कृषि चाहिए, खेतीबाड़ी चाहिए, क्योंकि खेतीबाड़ी के लिए जो जड़ों के लिए एरेशन हवा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है वो मिल नहीं पाता है, और ये काम पोलार बनाने का काम गाय का गोबर करती है। जब गाय का गोबर मिट्टी के साथ मिलती है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल का होता है गोबर, जैसे घास का वगैरह, तो उससे वो उसमें सड़ के उसमें वो पोलारपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात अलग है कि अपने देश में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, सभी 33 लाख कितने भी कह दो, उतने देवों का वासा माना जाता है, ये सब मान्यता एक तरफ, लेकिन ये जो प्रैक्टिकलिटी है उसके लिए अपने को गायों का संवर्धन, उसकी रक्षा करनी है।